हम न्यूमेरिकल करेंगे 3.3। तो कहता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या जो हम जवाब निकालेंगे क्या वो जवाब ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 3.3 न्यूमेरिकल है। 11.3 न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले उसने कहा है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी हमें दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू 330 मीटर सेकेंड माइनस 1। उसके बाद कहता है कि वेवलेंथ जो है वो लेमडा वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.05 मीटर आ जाएगा 100 से डिवाइड कर। तो उसके बाद कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव एफ जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है फार्मूले का वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है जी। इसमें वी की वैल्यू 330 लगा दें, एफ हमने निकालना है, लैम्डा हमारे पास जो है वो आया है 0.05। तो 330 डिवाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू एफ। पॉइंट ख़त्म कर दें नीचे से तो ये आ जाएगा 330 × 100/5, ये एफ के बराबर हो गया। तो इनकी कटिंग कर दें, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 0 आ गया। तो ये हो जाएगा जी 330 × 20 = f। 2 0 लगेंगे और 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो ये हर्ट्ज़ में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आई। ये जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आई है ये ज़रा गौर करेंगे, 6600 हर्ट्ज है, यानी 6600 हर्ट्ज। लेकिन जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है जी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान में है, इसलिए लिखेंगे हम ये कहेंगे यस कि ये हमारी जो सी फ्रीक्वेंसी है, यस फ्रीक्वेंसी इज इन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल रेंज के अंदर आती है। उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल करेंगे, वो है जी 11.4। 11.4 न्यूमेरिकल में वो कहता है ए डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ये आ जाएगी हमारे पास 72। और टाइम जो हमें दिया गया है वो है जी 1 मिनट, इसको हम लिख देंगे 60 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड। अब हमारे पास हमें निकालने को क्या कहता है वो कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी एफ और टाइम पीरियड क्या है इसका, ये हमारे पास स्मॉल टाइप टी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में हुआ। तो हम 72 को
60 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये तकरीबन तकरीबन आपका जो जवाब आएगा ये 1.2 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब टाइम पीरियड जो सा है वो मैंने बताया हुआ आपको कि वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1/1.2 कर देंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जवाब बन जाता है 0.83 सेकेंड। तो जो हमारे पास जवाब आता है वो 0.83 सेकेंड आ जाता है। इस तरह से 11.4 नंबरी का हमने कर लिया। अब उसके बाद करते हैं जी 11.5 नंबर। 11.5 न्यूमेरिकल में देखें वो क्या कहता है, ए मैरीन सर्वे शिप सेंड्स ए साउंड वेव स्ट्रेट टू दी सी बेड। एक मैरीन सर्वे शिप है वो साउंड वेव भिजवाती है सी बेड डायरेक्ट नीचे। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर, तो 1.5 सेकंड के बाद वो इको रिसीव होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। Find the depth of the sea at this position. तो मैं आपको ये सवाल जो है ना पिक्चर के जरिए से थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा पीछे जाते हैं हम, ठीक है जी। पीछे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सी बेड की पिक्चर बनी हुई है, देखें आपको नज़र आ रही होगी। तो क्या करता है वो इको यहाँ से भेजते हैं, जब सॉरी ये जो साउंड वेव है वो यहाँ से भेजते हैं, ऐसे यहाँ से टकराने के बाद जब वो वापस इधर आती है तो टोटल टाइम जो उसने दिया हुआ है कि साउंड जाती है और टकरा के इको वापस आती है वो हमें दिया हुआ है उसने 1.5 सेकंड, ठीक है जी। तो जो विलास्टी है वो भी दी हुई है, तो हम लिखते हैं इसमें कि टाइम ऑफ इको, टाइम ऑफ इको वो 1.5 सेकंड। टाइम ऑफ वन साइड पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 को आप 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 0.75 सेकंड। अब उसने वेलोसिटी आपको दी हुई है इसकी 1500 मीटर सेकंड माइनस 1, तो आप यहाँ पे क्या निकालने को कहता है, इसमें वो निकालने कहता है डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, यानी कि डी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना। तो हमें पता है वी इज़ इक्वल टू डी ओवर टी होता है, इसमें हम अगर डी निकालना है तो वी और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, डी मल्टीप्लाई बाय टी, इसमें आ जाएगा वी इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय t। हम अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी, d की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे v की जगह पे और t की जगह पे, तो d इज इक्वल टू v हमारे पास है जी 1500 और t हमारे पास है जी 0.75। तो अब हम इसको इसका जो जवाब निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है जी 1125 मीटर, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास ये इसका जवाब आ गया। यही मैंने आपको ये बताया कि इको का टाइम ये दिया हुआ है, एक तरफ का टाइम निकालना है 2 से डिवाइड कर दें और वेलोसिटी आपको ये दी हुई है, डिस्टेंस आपने निकालना है, तो आप डी वी इज इक्वल टू डी ओवर टी कर देंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है
वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये 11.5 था, अब हम 11.6 करेंगे। 11.6 में आपको दिखा देता हूँ, ये देखें उसी तरह से 11.6 में कहता है ए स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए क्लिफ एंड हियर्ड इको आफ्टर 5 सेकेंड। देखिए इको का बताया हुआ, यानी कि जाने और आने का टाइम दिया हुआ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से सवाल होगा, इस तरह से 11.5 करवाया था, इसमें हम लिखेंगे कि इको इको टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इको टाइम 5 सेकेंड, टाइम ऑफ वन साइड ये 5/2 हो जाएगा 2.5 सेकेंड, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप इसमें वेलोसिटी लिख देंगे, v जो सी आपको दी गई है वो यहाँ पर 346 मीटर सेकंड माइनस वन दी गई है। तो इस तरह से आप डी निकालना चाहते हैं इसमें, तो v = यानी वेलोसिटी का फार्मूला लगा लेंगे इसमें, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा d = v × t। ठीक है जी, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें अब इसकी, तो ये जनाब वैल्यू पुट करने के बाद v की वैल्यू 346 है और t की वैल्यू 2.5 है, तो इसका जवाब आपके पास जो आ जाएगा वो 865 आ जाएगा, 865 मीटर। तो 865 मीटर जो सा है वो डिस्टेंस है उसको दूंगा। उसके बाद 11.7 नुमेरिकल आ जाता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से 11.7 नुमेरिकल आपको दिखा देते हैं। देखें ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? ये भी उसी तरह से सवाल है, इसमें जो उसने अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया हुआ उसने, इसलिए वेलोसिटी उसकी ज़्यादा दी हुई है, तो इसमें लिखेंगे हम उसी तरह से कि टाइम ऑफ इको सेंड आउट अल्ट्रासाउंड रिटर्न फ्रॉम द सी बैंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड रिटर्न फ्रॉम सी बेट, टकरा के जब वापस आती है तो वो हमारे पास दी हुई है उसने 3.42 सेकेंड, ठीक है जी, 3.42 सेकेंड दी हुई है। इसमें देखें वेलोसिटी जो उनसे दी गई है वो 1531 मीटर पर सेकेंड दी गई है, तो हमने डी निकालना है, तो d हमारे पास v = d/t और d = v × t, v की वैल्यू जो सी है 1531 हो जाएगी और t की वैल्यू जो सी है वो 3.42 का हाफ कर लें, ठीक है जी, 3.42/2 ये 1.71 सेकेंड आ जाएगा स्मॉल टी, तो इसको 1.71 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका जवाब बन जाएगा 2618 मीटर,
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 1 2, 1 इधर 12 हो जाएगा, 7 2 14, 1 2 1, ठीक है जी, तो 1.7, तो ये आपके जनाब 11.7 तक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं हम 11.8 न्यूमेरिकल पे। जी 11.8 न्यूमेरिकल जो है वो कुछ इस तरीके से है, कहता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20°C। यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड्स वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। अज्यूम द स्पीड ऑफ आवर साउंड इन एयर एट 20°C इज 343 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सवाल को हल करेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सी है वो हम F1 लिख लेंगे, वो हमारी है 20,000 हर्ट्ज, और जो वेलोसिटी उसने दी हुई है वो दोनों के लिए एक ही दी हुई है, वो है जी 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने V है, जो लैम्डा है वो हमने निकाला है, ठीक है जी। जी अब मैंने कर दिया ठीक, वो गलती से नज़र नहीं आ रहा था, अब मैं ठीक कर दिया। अच्छा जी, तो वेलोसिटी दी हुई है तो उसमें कहता है कि वेवलेंथ निकालें, तो लैम्डा जो सा हो जाएगा आपके पास वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा 1 हम निकालेंगे, वी इज इक्वल टू एफ 1 लैम्डा 1। वी की वैल्यू रख लें 343, एफ 1 की वैल्यू रख लें 20,000 हर्ट्ज, और लैम्डा 1 जो सा वो हमने निकालना है 343/20,000 इज इक्वल टू लैम्डा 1, ठीक है जी। इसमें फिर कुछ इस तरह से बनेगी कि यहाँ अगर डिवाइड करें 343/2, और ये 4 0 जो उनसे इनको उठा के ऊपर ले जाओ 10^-4 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करते हैं हम तो ये बन जाता है 1, ये बन जाता है जी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-4 तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं। तो जब हम ये पॉइंट इधर मूव करेंगे दो दफ़ा तो 1.71 आ जाएगा, 72 कर लें इसको राउंडिंग ऑफ करके, मल्टीप्लाई बाय 10^-2 मीटर आ जाएगा, ये लैम्डा 1 आ रहा है। अब दूसरे पार्ट में वो कहता है कि अगर आपके पास F2 20 हर्ट्ज दे दिया जाए, ठीक है जी, 20 हर्ट्ज अगर आपको दे दिया जाए तो फिर क्या होगा कि लैम्डा 2 जो है आपने निकालना है। तो उसी तरह से V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2 करें, V आपके पास 343 है, F आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 है, और लैम्डा 2 आपने निकालना है। इसको नीचे उठा के ले जाएं, 343/20 इज इक्वल टू लैम्डा 2, जी उसी तरह से 343/2 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10^-1 कर दें, ऊपर चल जाएगा 10, ये बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-1, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट आप अगर एक दफ़ा इधर मूव कर दें तो ये 17.2 मीटर आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है जी, 17.2 मीटर जवाब। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन कौन सा है जो कि हमने अभी सॉल्व किया है 10.8। उसके बाद हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि है 10.9।
A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? ठीक है जी, तो हमने देखना ये है कि 1.5 किलोमीटर को कैसे ट्रैवल करता है जी। 11.9 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है ये देख लें। इसमें देखें वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 किलोहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 किलोहर्ट्ज़, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2000 हर्ट्ज़ हो जाएगा। अब इसमें जो उसने लैम्डा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, यानी ये 0.35 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप इसको अब निकालना, आपने क्या है इसमें कहता है कि टाइम कितना होगा वो आपने निकालना है, जबकि डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर दिया गया है। तो अगर आप इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 1500 मीटर। अब आपने डी निकालना है तो आपके पास वी मौजूद नहीं है, पहले वी निकालेंगे। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा करेंगे, एफ यहाँ पे है जी 2000 और लैम्डा यहाँ पे 0.35, तो ये हो जाएगा जी 2000 इसको ना आप पॉइंट ख़त्म कर दें, इसका डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, 2020 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी आपका 220 मल्टीप्लाई बाय 35, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है जी 700 मीटर पर सेकेंड। अब आप v इज इक्वल टू डी ओवर टी वाला फार्मूला लगाएं, और निकालना क्या है यहाँ पे t आपने, इसलिए v को नीचे उठा के ले दो। d यहाँ पे 1500 है, v यहाँ पे 700 है, तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएंगे, 15/7 रह जाएगा। इसका जब जवाब निकालेंगे आप तो ये आपका जवाब बन जाएगा 2.1 सेकेंड, यानी कि t आपके पास जो आएगा वो 2.1 सेकेंड होगा। इस तरह से हमने न्यूमेरिकल ये सॉल्व किए हैं। पहले मैंने आपको दोबारा से कुछ बता देता हूँ कि कैसे किया इसको, पीछे ले कर जाता हूँ इसको मैं। सबसे पहले हमने 11.3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 11.3 न्यूमेरिकल में वेलोसिटी दी हुई थी, लैम्डा दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा करके हमने जवाब निकाल लिया। फिर देखा कि ये फ्रीक्वेंसी जो सी है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के दरमियान में आ रही थी, इसलिए लिख दिया कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है। 11.4 में उसने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी हुई थी, टाइम जो सा है वो 1 मिनट था, 60 सेकेंड हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना था। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है कि जितना नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकल्स या नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जितने टाइम में लेते हैं उनको डिवाइड कर देते होते हैं, तो ये 1.2 आ गया। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 कर दिया, 0.38683 सेकेंड आ गया। फिर टाइम उसने ये जो सिर्फ तीन सवाल अगले हैं जो तीनों ये एक ही कैटेगरी के हैं, इसमें इको का टाइम दिया हुआ है, यानी आने जाने का टाइम दिया हुआ है साउंड के, ठीक है, और टाइम वन साइड का हमने निकालना है तो हमने इसको 2 पे डिवाइड कर लेना है, और हमें वेलोसिटी दी हुई है ये उसने, डी निकालना है हमने डिस्टेंस जो है यानी कि जो सी बेड का है, तो वी इज इक्वल टू डी ओवर टी करेंगे, ये वेलोसिटी का फार्मूला है या स्पीड का कह सकते हैं आप, तो v और t को मल्टीप्लाई कर दें तो d आ जाएगा आपके पास, v को लगाएं, d को लगाएं, t को लगाएं, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। अगले सवाल में भी ऐसे ही है, इको टाइम जो सा है क्लिफ के पास जाके वो जो हैंड को जो सा है क्लैंप करता है तो वो 5 सेकंड है, टाइम ऑफ वन साइड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वेलोसिटी दी हुई है ये,
डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने जवाब आ जाएगा। 11.7 भी ऐसे ही है, टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड रिटर्न फ्रॉम सी बेड टकरा के ऊपर जो आती है अल्ट्रासाउंड वो 3.42 सेकंड है, इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो स्मॉल टी आ जाएगा 1.71, और ये वेलोसिटी दी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल जो है वो डिफरेंट है, 8 उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी दी हुई है उसने और कहता है लैम्डा वन निकालें, तो वी इज इक्वल टू एफ वन लैम्डा वन करके कीमतें पुट करके 20,000 को डिवाइड करते हैं इस पर, तीन चारों जीरो जो से इनको ऊपर ले गए हम माइनस फोर हो गया, ये 2 पे डिवाइड कर दिया 1.175 इसको राउंडिंग ऑफ करके 1.72 कर दिया, और पॉइंट को हम दो दफ़ा इधर मूव कराएंगे तो ये दो टाइम जो सा ज़्यादा हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी जो सी है 20 हर्ट्ज़ हो गई, यानी कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा टू हमने निकालना है इसमें, तो वी इज इक्वल टू एफ टू लैम्डा टू ले लिया, एफ टू 20 है इसको डिवाइड कर दिया इधर 10 ऊपर आके माइनस वन हो गया, इसको पॉइंट इधर इतना मूव कराएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा 10 माइनस वन, तो 17.2 मीटर आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल में उसने फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपको किलो हर्ट्ज में, उसको किलो में को चेंज कर लिया 2000 हर्ट्ज हो गया, लैम्डा जो सा सेंटीमीटर में था मीटर में दे दिया, टी जो सा हमने कैलकुलेट करना है इसमें, तो डी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर मीटर में चेंज कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा करके पहले वी निकाला आपने, ठीक है जी, पॉइंट ख़त्म कर दिया जीरो से जीरो कट के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया जी 35, तो ये 700 आ गया, तो वी इज इक्वल टू डी ओवर टी करके वैल्यूज पुट करके तो 2.1 सेकंड आपके पास जवाब आ गया। तो ये थे चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी न्यूमेरिकल्स की, तो अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं इसको।